अधिक बलवान तो वे होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। जो दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उसे हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। शरीर का दुख तब मिटता है जब मन का दुख मिटता है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार पहले का किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। मनुष्य के पास धन उतना ही होना चाहिए जितना वो अपना पोषण कर सके। जो इसके अधिक एकत्रित करता है वह चोर है। प्राणी अकेला जन्म लेता है और अकेला मरता है और अपने पाप पुण्यों का फल अकेला ही अनुभव करता है। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। मन में संतोष होना स्वर्ग प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। दूसरों के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती। इकट्ठा हुआ धन दुश्मन के समान है क्योंकि इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को कभी भी दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसे वह स्वयं के लिए हानिकारक समझे। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए असत्य छोड़कर सत्य ग्रहण करें। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। आशा ही दुख की जननी है और निराशा ही परम सुख शांति देने वाली है। जो जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है अवश्य ही उसका फल भोगता है। ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ से ही मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत ना हारे। प्रेम जैसा कोई सुख नहीं है। धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना किसी प्रकार उसे सुनना ही चाहिए। मधुर शब्दों में कही हुई बातें अनेक प्रकार से कल्याण करती हैं, किंतु यही यदि कटु शब्द में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती हैं।